हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास टेंथ के लिए हम लोग चैप्टर सेकंड एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे, यानी कि अम्ल, क्षारक व लवण, जिसमें हमने एसिड बेस की प्रॉपर्टीज के बाद पीएच वैल्यू और एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि अम्ल क्षारक सूचक पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है सॉल्ट्स यानी कि लवण के बारे में हमें जानना है। जब हमने एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, तो वहां पर हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि जब हम एक एसिड यानी कि एक अम्ल को एक बेस यानी कि एक क्षारक के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलते हैं, यानी कि लवण व जल बनते हैं। तो सॉल्ट है क्या? सॉल्ट है एसिड और बेसिस के बीच के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट। लवण क्या है? अम्ल और क्षारक के बीच जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई, उसी के उत्पाद हैं। आपने देखा था कि हमने यहां पर लिया HCl, एक एसिड है, एक अम्ल है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस से, दैट NaOH के पास। ये बेस है, एक क्षारक है। यहां पर क्या है? H पर सिंगल प्लस, Cl सिंगल माइनस, Na प्लस, OH माइनस। होता क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, एक आयनिक क्रिया है, आयनिक रिएक्शन है। इसका एनायन इसके कैटायन के पास और इसका कैटायन इसके एनायन के पास, धनायन ऋणायन एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, विनिमय हो जाता है इनका। ये Cl माइनस यहां चला आया और ये OH माइनस यहां चला आया, तो हमको मिला क्या? NaCl, Na प्लस Cl माइनस, या सिंपली आप इसको बोलते हो NaCl। और साथ में क्या मिला? H प्लस एंड OH माइनस, जो कि H2O है। तो ये एसिड, ये बेस, ये बना बेटा सॉल्ट, लवण बना ये, और साथ में बना जल, वाटर। ये रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे सॉल्ट क्या हुए? सॉल्ट क्या हुए? एसिड्स और बेसेस के रिएक्शन के प्रोडक्ट हुए, उत्पाद हुए। दूसरे तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि इसमें एक Na प्लस है और दूसरा Cl माइनस है। इसको हम नाम देते हैं बेसिक रेडिकल। आपने आयनिक नेमिंग वाला अगर वीडियो देखा हो, लेक्चर 6, तो वहां ये बात हमने डिस्कस की थी कि ये जो Na प्लस है ये बेसिक रेडिकल है और ये इसको आप बोलते हो एसिडिक रेडिकल, यानी कि क्षारीय मूलक वह अम्ली मूलक, क्षारी मूलक वह अम्ली मूलक। तो ये सॉल्ट्स क्या हैं? ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें एटलीस्ट एक एसिडिक और एक बेसिक रेडिकल होंगे, एक अम्ली और एक क्षारी मूलक होंगे। ये अम्ल से आया है, एसिड से आया है Cl माइनस, तो इसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं और इसको बेसिक रेडिकल का नाम दिया जाता है। तो ये चीज सॉल्ट की डिफिनेशन हुई। अब बात हमको करनी है सॉल्ट्स के टाइप्स की, कि सॉल्ट कितने तरह के होते हैं। तो चलिए ये चीज भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सॉल्ट्स देखिए बेटा, 4 टाइप्स के हैं बेसिकली। सिंपल सॉल्ट, या जिसको हम नाम देते हैं सरल लवण, मिक्स्ड सॉल्ट, या जिसको हम बोलते हैं मिश्रित लवण, फिर है डबल सॉल्ट, जिसको हम नाम देते हैं द्वित लवण या डबल सॉल्ट, तीसरा कैटेगरी है, और फोर्थ कैटेगरी है हाइब्रिड सॉल्ट, या जिनको कॉम्प्लेक्सेस भी बोला जाता है, संकर लवण। ये 4 कैटेगरीज हैं। 10th के बच्चों के लिए हमें लगता है कि ये सिंपल सॉल्ट ही बस जान लेना सफिशियंट होगा, बट अगर आप इनको भी समझ लेते हैं तो ये फॉर बेटर है आपके लिए। सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी सिंगल बेस और सिंगल एसिड को रिएक्ट कराते हो, तो उससे आपको जो भी सॉल्ट्स मिलते हैं उनको आप सिंपल सॉल्ट का नाम देते हो। मतलब सिंपल सॉल्ट्स में क्या है? वन एसिड एंड वन बेस,
एक अम्ल और एक क्षारक से जो बनेंगे वो सिंपल सॉल्ट कहलाते हैं। जैसे अभी हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया, NaCl कहाँ से आया भाई, NaOH एंड HCl। ऐसे ही क्या है, KBr, MgBr2, NaSCO3, Na2CO3, ये सब क्या है, ये सब सिंपल सॉल्ट्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सभी सिंगल एसिड है, सिंगल बेस से बने हुए हैं। इसमें भी कई कैटेगरीज हैं सिंपल सॉल्ट्स की भी, जैसे इसमें एक है जनरल सॉल्ट, सामान्य लवण, जनरल सॉल्ट, सामान्य लवण, इनका क्या मतलब है बेटा, इसमें होगा कि ना ही H प्लस होंगे ना ही OH माइनस होंगे, ये दोनों एबसेंट रहते हैं। जैसे ये जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो, इसमें NaSCO3 को छोड़ दो, तो जैसे NaCl आपने लिया, NaCl को अगर हम तोड़ें तो हमको क्या मिलने वाला है, चलिए हम थोड़ा स्पेस लेते हैं, हमने सोचा था कि एक ही चार्ट में हो जाएगा एक बार बोर्ड पे लिखने से, लेकिन लग रहा है स्पेस कम पड़ जाएगी, तो हम बारी बारी से समझते हुए चलते हैं, इसको अभी आगे बढ़ाएंगे ब्रांचेस। सिंपल सॉल्ट में क्या है, एच प्लस एंड ओ एच माइनस एबसेंट होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने लिखा है NaCl, इसका ब्रेकेज आप करेंगे तो Na प्लस एंड Cl माइनस, यहाँ कहीं एच एंड ओ एच माइनस, एच प्लस एंड ओ एच माइनस नहीं लिखे। आपने लिखा मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये क्या हुआ, Mg डबल प्लस एंड SO4 डबल माइनस, कहीं भी हमको एच प्लस एंड ओ एच माइनस नहीं दिखे, तो इनको हम नाम देते हैं सामान्य लवण। ये सरल लवण के कैटेगरी में आता है, ये सिंपल सॉल्ट का एक कैटेगरी है जनरल सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब कभी आप NaCl मत समझिएगा, ये तो कॉमन सॉल्ट होता है ना, जो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट होता है वो NaCl है, सॉल्ट की एक कैटेगरी है बस वो भी, ठीक है, एक खास एग्जाम्पल है, कैटेगरी नहीं। सेकेंड आते हैं इसमें सिंपल सॉल्ट में, ये से दैट ए है, ये बी, ये सी एंड डी। तो ये था आपका A1। A2 क्या है भाई, तो आप जितने भी आप ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हो जिसमें एच या ओ एच नहीं है और एक एसिड एक बेस से बना है, तो वो जनरल सॉल्ट हो गया। ए सेकेंड क्या है, ए सेकेंड है बेटा, ए टू है, इसमें एसिडिक सॉल्ट, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में क्या है, इसमें H प्लस होंगे OH माइनस नहीं दिखेंगे, जैसे NaOH और H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो बनता है NaSCO3, आपने पिछली क्लास में देखा था, ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो मिलता है Na प्लस एंड HCO3 सिंगल माइनस। फर्दर अगर आप इसको तोड़ो तो आपको क्या मिलेगा, Na प्लस H प्लस एंड CO3 डबल माइनस, तो ये H प्लस यहां प्रेजेंट है, तो ये हो गया एसिडिक सॉल्ट। ये ए सेकेंड था, एसिडिक सॉल्ट हमने पढ़ लिया। बेसिक सॉल्ट क्या होगा, इसके बाद ए थर्ड जो है, ए थर्ड है बेसिक सॉल्ट, इसमें तीसरी कैटेगरी जो है बेसिक सॉल्ट, क्षारीय लवण। क्षारीय लवण क्या होते हैं भाई, इसमें ओ एच माइनस की प्रेजेंस रहेगी, एच प्लस की प्रेजेंस नहीं रहेगी, ओ एच माइनस होगा एच प्लस नहीं होगा। जैसे आपने लिखा एम जी ओ एच बी आर, जब आप 11th 12th में जाएंगे वहां एक टर्म आप पढ़ेंगे ग्रिंडार्ड रिएजेंट, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब एल्किल एंड एरिल मैग्नीशियम हैलाइड्स जो होते हैं वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, उनकी रिएक्शन में ज्यादातर बार ये प्रोडक्ट मिलता है, बाई प्रोडक्ट, इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ठीक। इसका अगर हम ब्रेकेज देखें तो ये Mg डबल प्लस OH सिंगल माइनस एंड Br सिंगल माइनस, तो यहां क्या मिला, ये एक कैटायन मिला, टू एनायन्स है जिसमें एक एनायन ओ एच माइनस है, तो ये ओ एच माइनस इसको बना देता है बेसिक सॉल्ट। ऐसे ही जिंक हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड हो सकता है,
तो ये क्या थे, सिंपल सॉल्ट थे, जो सिंगल एसिड सिंगल बेस की रिएक्शन से बनते हैं वो सिंपल सॉल्ट कहलाते हैं। और इसमें भी थ्री कैटेगरी थी, सब कैटेगरीज हैं इसकी। अगर H प्लस एंड OH माइनस दोनों नहीं है तो वो जनरल सॉल्ट हो गया, H प्लस है तो एसिडिक सॉल्ट, OH माइनस है तो बेसिक सॉल्ट, एज सिंपल एज इट्स नेम। सेकेंड क्लास है बेटा इसकी डबल मिक्स्ड सॉल्ट, मिश्रित लवण। इसमें क्या है, मिश्रित लवण में क्या है कि मोर देन वन एसिड और बेस, मतलब जैसे एक एसिड हो एक से ज्यादा बेसिस हो, या एक से ज्यादा एसिड्स हो और सिंगल बेस हो, तब जो सॉल्ट हमको मिलते हैं वो बोले जाते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने KOH एंड NaOH रिएक्ट करा दिया H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप दाहक पोटास बोलते हो, कास्टिक पोटास बोलते हो, ये क्या है कास्टिक सोडा है, दाहक सोडा है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्ट कराया, तो यहां का OH और यहां का OH, यहां के 2H प्लस के साथ गया, 2 मोल्स H2O बना, साथ में क्या बना बेटा Na प्लस K प्लस SO4 डबल माइनस, या सिंपली NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, नाम क्या हो गया सोडियम पोटेशियम सल्फेट, दैट्स इट, ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। ऐसे ही हमने मान लो CaOH होल ट्वाइस, यहां क्या थे, ये बेस था और ये एसिड था, मतलब एक एसिड को दो बेस के साथ हमने रिएक्ट कराया। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम है, चूना है बेटा, इसको आप रिएक्ट कराते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एक क्लोरस एसिड हमने लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड या क्लोरस एसिड इसको बोलते हैं। अगर यही HClO3 रहता तो एक क्लोरिक एसिड हो जाता, यहां क्या है बेटा H प्लस ClO माइनस, H प्लस Cl माइनस, ये दोनों H प्लस, अब ये दोनों एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्लोरस एसिड, इस बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या होगा यहां भी 2 मोल्स H2O के निकलेंगे और क्या बनेगा Ca डबल प्लस Cl माइनस ClO माइनस, या इसको आप सिंपली बोलते हो CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, यही तो होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये हो गया एक डबल मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल, इसमें एक से ज्यादा एसिड्स हैं, सिंगल बेस से रिएक्ट कर रही हैं, तो ये मिक्स सॉल्ट होते हैं। अब बात आती है डबल सॉल्ट की और हाइब्रिड सॉल्ट की, तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। जैसे डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट कॉम्बिनेशन होते हैं मोर देन वन सिंगल सॉल्ट के, सिंपल सॉल्ट के, जो सिंपल सॉल्ट हमने पढ़ा एक से ज्यादा सिंपल सॉल्ट जब कंबाइन होते हैं तो वो डबल सॉल्ट बनाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाइब्रिड सॉल्ट में हाइब्रिड सॉल्ट्स में भी मोर देन वन सिंपल सॉल्ट्स एंड कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आके कंबाइन होते हैं, बट फर्क ये होता है कि यहां जो सिंपल सॉल्ट कंबाइन होंगे वो केवल सॉलिड स्टेट में ही कंबाइंड रहेंगे, अगर उसको हम लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशंस में ले जाएंगे तो वो जिन जिन आयन से मिलके बने होंगे उन सब में टूट जाते हैं, और यही वजह है कि वो उन आयन्स का टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आपको केमिकल टेस्ट भी देते हैं। मतलब आप ये समझिए, ये क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट्स, सरल लवण के संयोग से बनते हैं, साथ में बात क्या है वनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मीन्स दे हैव आइडेंटिटी जस्ट इन सॉलिड स्टेट, कि उनकी पहचान केवल और केवल किस अवस्था में रहती है सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में रह जाती है। जब हम इनको
लिक्विड स्टेट में ले जाते हैं या सॉल्यूशंस बनाते हैं, विलयन या द्रव में ले जाते हैं, तो ये क्या होंगे? देन दे ब्रेक इनटू कंपोनेंट आयन्स, तो ये अपने घटक आयनों में टूट जाते हैं। मतलब द्विक लवण क्या है? सरल लवण के संयोग से बने हुए वे लवण जो कि केवल ठोस अवस्था में अस्तित्व में रहता है, द्रव अवस्था और विलयन में अपने घटक आयनों में टूट जाता है, द्विक लवण कहलाता है। जो भी जिस मीडियम का है वो अपनी लैंग्वेज में इसको समझ लेगा। जैसे यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको मिलता है पोटास एलम का, फिटकरी, जो पोटास फिटकरी है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसको अगर आप एक्वस स्टेट में ले जाते हैं, पानी में घोलते हैं फिटकरी को, तो क्या होगा? ये 24H2O तो H2O में डिजॉल्व हो गया, ठीक है। बाकी बचा क्या? बाकी बचा यहां पे 2K+, और क्या बचा? 2Al+3, और क्या बचा? सल्फेट 3, यहां पे एक यहां पे 4SO4-2। जिन जिन आयन से, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन, इन सब में इसका ब्रेकडाउन हो गया। यानी कि अगर हम चाहें तो पोटास एलम से, यह है पोटास एलम, पोटास फिटकरी है, इससे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? पोटास आयन का, एल्युमिनियम आयन का, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन का केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मोहर सॉल्ट होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 7H2O, मोहर सॉल्ट बोलते हैं। तो ये सब क्या है? डबल सॉल्ट के एग्जांपल है, और ये अपने कंपोनेंट आयन का टेस्ट देते हैं और लिक्विड स्टेट में उन सारे आयन्स में टूटते हैं। तो ये डबल सॉल्ट था बेटा। इसके बाद बात आती है मिक्स्ड सॉल्ट की, सॉरी हाइब्रिड सॉल्ट की, संकर लवण। संकर लवण क्या है? ये भी कुछ सिंपल सॉल्ट रहेंगे, कई सारे सरल लवण रहेंगे, और इनके साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, कुछ उदासीन अणु भी संयोग में आते हैं। मतलब कुछ सरल लवण और कुछ उदासीन अणु के संयोग से बनेंगे, लेकिन इनकी आइडेंटिटी सॉलिड के साथ साथ लिक्विड और सॉल्यूशन सारे स्टेट में रहता है। मतलब ये अपने सारे के सारे आयन्स में नहीं टूटते हैं, ये केवल कुछ एक आयन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनसे वो बने हैं, उन सभी आयन्स में ये नहीं टूटेंगे जिनसे ये मिलकर के बने हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे, और इन सबको आप अमूमन 12th में ज्यादा पढ़ेंगे बेटा, 11th में है ना, 10th के लिए अगर ये सिर्फ डिफिनीशन, और इसको मैं क्यों पढ़ाई दे रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बस नहीं है, ये जरूरी है। जैसे बोर्ड एग्जाम पे ही आप रुक नहीं जाते हो बेटा, आप CHS BHU का एंट्रेंस दोगे, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वगैरह दे रहे हो, AMU के एंट्रेंसेस में बैठ रहे हो आप, 10th के बाद भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, तो उन एग्जाम्स के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि वहां आपकी बुक्स में जो भी आपकी रेफरेंस बुक्स होंगी उसमें सिंपली सॉल्ट की डिफिनीशन दिया होगा और आगे बढ़ गया होगा कि सॉल्ट्स के pH, सॉल्ट्स की pH वैल्यू कितनी आती है। तो बस इतने तक लिमिटेड मत रहिए आप, बोर्ड्स आपकी लिमिट नहीं है, आपको उसके आगे भी बढ़ना होगा बेटा, है ना। जब आप अपने आप को दायरे में बांध करके चलेंगे तो भरोसा मानिए कि कहीं ना कहीं आप आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स जरूर झेलेंगे। आप एक लिमिट से आगे बढ़िए, है ना, पंख फैलाइए अपने आप, ठीक। तो जैसे एग्जांपल इसमें K4Fe CN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरो साइनाइड। इसको देखें, अगर इसको हम सॉल्यूशंस में ले जाते हैं तो ये 4K+ पोटेशियम आयन एंड फेरो साइनाइड आयन। हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं घबराएंगे कि इंग्लिश में ये नाम तो आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे। तो देखो ये बना किससे किससे था, इसमें था पोटेशियम, साथ में था आयरन, फेरस आयन एंड CN- आयन, साइनाइड आयन। बेटा बस बट ये देखिए कि अभी भी फेरस एंड साइनाइड जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हुए,
तो यही बात कही जा रही है कि हाइब्रिड सॉल्ट अपने सारे कंपोनेंट आयन में, कंस्टिट्यूएंट्स आयन में नहीं टूटते हैं, जिनसे मिलके वो बने हैं उनमें ब्रेकडाउन नहीं होता है। यही वजह है कि अपने सभी आयन्स का टेस्ट नहीं देते हैं, केमिकल टेस्ट अपने सभी आयन्स का नहीं देंगे, कुछ खास आयन्स का ही टेस्ट देंगे केवल। जैसे पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा बट आयरन एंड साइनाइड का टेस्ट नहीं देगा। टेस्ट मतलब चखने वाला टेस्ट नहीं, केमिकल टेस्ट जो केमिकल प्रेजेंस बताती है उसकी, ठीक है। तो ये बात थी सॉल्ट की डिफिनीशन और उसके टाइप्स की। एक बात यहां जान लेनी जरूरी है, सॉल्ट्स का पीएच कितना आता है, पीएच वैल्यू सॉल्ट्स की, ठीक है। सॉल्ट्स की पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट्स एंड या सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट का पीएच देखने के लिए एनएसीएल का टुकड़ा लेके आप पीएच नहीं नापोगे, उसको वाटर में डिजोल्व करोगे तब देखोगे। तो देखो, हमने जब इसके पहले पढ़ा तो हमने ये जाना कि सॉल्ट का पीएच अमूमन 7 होता है, बट हर बार बेटा हर एक सॉल्ट का पीएच 7 नहीं आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 7 आए। ये डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस तरह के एसिड या बेस से मिलके बना है। तो पहले हमें कराना होता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लवण जल अपघटन। मतलब आपने सॉल्ट, आपको याद है कि जब हमने एसिड को बेस के साथ मिलाया तो सॉल्ट एंड वाटर बना, तो अगर हम सॉल्ट में वाटर मिला देंगे तो हमको एसिड एंड बेस मिल जाएगा। मतलब ये चीज, किसी भी सॉल्ट में जब हमने H2O मिलाया तो हमको क्या मिलेगा, बेस एंड एसिड, एसिड एंड बेस मिला। इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, लवण जल अपघटन, एकदम उदासीनीकरण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट है। तो यहां कैसा बेस और कैसा एसिड मिल रहा है इस पर डिपेंड करता है कि सॉल्ट के सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा। जैसे चलो एग्जांपल देखते हैं, हमने एनएसीएल लिया, इसको H2O से रिएक्ट करा दिया तो क्या हुआ, ये बना HCl और यहां बना NaOH। आपने पढ़ रखा है कि HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। अब हिंदी नहीं लिखने वाले हैं, आपको ये जानना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, ठीक। और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों स्ट्रांग नेचर के हैं तो एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज किए हुए हैं, एक दूसरे को उदासीन किए हुए हैं। तो यहां जो सॉल्यूशन मिलेगा, ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उदासीन विलयन हो गया। जब दोनों के दोनों स्ट्रांग है तो उदासीन हो गया, तो इसकी पीएच कैसी आएगी, इसका पीएच एग्जैक्टली 7 आएगा। ये कहानी रही, बट मान लो अगर यही रहता NH4Cl होता, इसको HCl से, HOS से ट्रीट करो, HOS मीन्स वाटर से ट्रीट करो, वाटर से रिएक्ट कराओ, तो ये बना HCl एंड NH4OH। क्या हुआ, HCl एंड NH4OH। यहां पर HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NH4OH क्या है, वीक बेस है। भारी कौन पड़ा बेटा, कौन मजबूत निकल गया, एसिड, अम्ल ज्यादा यहां पे तगड़ी मिली। तो इसका NH4Cl, जिसको आप साल अमोनिया क्या नौसादर बोलते हो, इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो मिला एसिडिक सॉल्यूशन। आप जानते हो कि एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो जब बेस वीक होगा, एसिड स्ट्रांग होगा, तो पीएच ऐसे सॉल्यूशंस की, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन की का पीएच लेस देन 7 आने वाला है। एक दो एग्जाम्पल और हैं इसमें, उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने बात की CH3, थर्ड कैटेगरी CH3 COONa, और इसको रिएक्ट कराओ वाटर से, AOH आया Na के पास और ये एच चला आया एसीटेट आयन के पास, तो क्या मिला, CH3COOH एंड NaOH। अब एस्टिक एसिड आपने इंट्रोडक्टरी क्लासेस में पढ़ा था कि ये वीक बेस है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है,
स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ भारी कौन पड़ा, बेस भारी पड़ गया, क्षारक ज्यादा तगड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन सोडियम एसीटेट का जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है या क्षारीय विलयन है, ये क्षारीय विलयन आया। ठीक, तो इसका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि आप जानते हो क्षारकों का विलयन जो है 7 से ज्यादा रखता है पीएच अपना। तो ये चीज हो गया। फोर्थ कैटेगरी है कि दोनों वीक हो, एसिड भी वीक मिले, बेस भी वीक मिले। जैसे फोर्थ कैटेगरी है CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, H2O से रिएक्ट कराया, क्या मिला, CH3COOH एंड NH4OH। यहां तो भाई एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, दो के दोनों वीक हो गए। अब क्या होगा, तो अब यहां ये देखना है इन दोनों में कौन तगड़ा है, भले दोनों वीक हैं, भाई दोनों कमजोर हैं तब भी तो उनमें एक रिलेटिवली स्ट्रांग हो सकता है। तो यहां जो एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ होती है बेटा वो NH4OH से ज्यादा होती है। ठीक, तो फिर एसिड भारी पड़ गया, भले दोनों वीक है, तो या स्लाइटली एकदम माइल्ड एसिड, हल्का सा एसिडिक आएगा ये, इसका सॉल्यूशन एसिडिक ही मिलने वाला है, तो पीएच की वैल्यू 7 से कम आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करा के ये जान सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और ये जानकर कि हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कितनी है। अब इस चैप्टर में बेटा कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है आपको, जैसे NaCl के बारे में, Na2CO3, NaSCO3, मतलब बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा एंड टेबल सॉल्ट या खाने वाला जो नमक है इसके बारे में पढ़ना है, जो सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस हैं। मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस चैप्टर का निपटा लिया है, तो इनका नोट्स बनाइए, वीडियोस को माइंडफुली ऑब्जर्व करिए। ये सब आने वाले दिनों में जो आपकी केमिस्ट्री आप पढ़ोगे 11th 12th में, उसके लिए बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल तैयार कराते हैं आपके केमिस्ट्री के, तो इसको आप जरूर नोट करें, समझ लें, कोई क्यूरी हो तो हमसे डिस्कस करें। वीडियोस अच्छे लगते हो बच्चों तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।